Hello everyone, welcome back. Students, in last lecture we studied the third rule, that is derivative of product of functions. So let us continue our fourth rule. So fourth rule is derivative of quotient of functions. Okay, so derivative of quotient of functions. तो आज के लेक्चर में हम ये हमारा फोर्थ रूल यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट. अगेन दिस रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये रूल क्या है, सो लेट अस सी. इफ़ ई वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी, तो सी स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था वाई इज इक्वल टू यू वी. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं देखो. सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट डाउन वी एज इट इज. ठीक है, इन टू डेरीवेटिव ऑफ यू, अब यहाँ पे आपको माइनस लिखना है स्टूडेंट्स, माइनस यू इन टू डेरीवेटिव ऑफ वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई डैश इज इक्वल टू वी इन टू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर. तो ये आप ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हो. ठीक है, सो स्टूडेंट सी, यू इंटू वी में आपको मिडल में प्लस साइन है और यू अपॉन वी में आपको यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, तो ये साइन में कन्फ्यूजन मत करना, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर. तो सी, अब ये आपको ऐसे ही याद रखना है स्टूडेंट. तो मैं आप लोगों को ये सेम और एक मेथड से बताती हूँ, तो आपको जो इजी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो. और मैं यहाँ पे y अपॉन u इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस टाइप में लिखती हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये क्या है, u अपॉन v. ठीक है, तो न्यूमरेटर इज़ u एंड डिनोमिनेटर इज v. तो अब मैं ये सेम फार्मूला आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ पे लिखती हूँ. तो ये कैसे लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब डी इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस, नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन एंड डी लिखा है. तो ये मैं शॉर्ट में कैसे लिखती हूँ देखो स्टूडेंट, दैट इज y इज इक्वल टू डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर. सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे डिनोमिनेटर राइट डाउन एज इट इज़ इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आपको लिखना है. अगर आप ये सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखोगे और ये इस साइड लिखोगे तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है. अगर प्लस साइन होता तो टर्म इंटरचेंज होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइन है, तो हमें यही सीक्वेंस में डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. सॉरी, यहाँ पे वाई डैश होना चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, कैसे याद रखोगे देखो. सी स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी सी डी. ठीक है, डी में डी फर्स्ट आता है राइट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी लिखेंगे. ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर आपका है उसको एज इट इज़ लिखना है आपको, इन टू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हम लिखेंगे. ठीक है, माइनस, अब रिवर्स करना है, अब न्यूमरेटर राइट डाउन एज इट इज़ इन टू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर. ओके, तो आई होप अब आपका ये फार्मूला रॉन्ग नहीं होगा. तो अब हम इसके सम सॉल्व करते हैं, तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, तो चलो हम हमारा एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट. सो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 9.2. ठीक है, सो एक्सरसाइज 9.2, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है. सो क्वेश्चन सेम है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बस आपको यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हैं वो यू अपॉन वी के फॉर्म में है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम करते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज़ वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये u अपॉन v मतलब n अपॉन d के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। तो चलो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ फॉर्मूला, d से स्टार्ट करना है हमें, a b c d में d फर्स्ट आता है, ठीक है, d n डैश माइनस n d डैश अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू, नाउ फर्स्ट देखो क्या है d, ठीक है, तो d राइट डाउन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस साइन बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या है न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने जो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा है तो इसको आपको एक्सपांड नहीं करना है, ठीक है, एंड तक आपके आंसर में इसको एज इट इज़ रखना है, सिर्फ आपको अभी न्यूमरेटर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ जहाँ पे डेरिवेटिव है बस उतना ही पार्ट आपको सॉल्व करना है, मतलब ये और ये, ठीक है, बस इतना ही आपको सिंप्लीफाई करना है इस स्टेप में। तो चलो हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है देखिए एडिशन है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस राइट डाउन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ थ्री, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू, अब अगेन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फंक्शन दिया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। सो अब हम सिम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू, अब ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा करेक्ट टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो करेक्ट बिकॉज थ्री इज कॉन्स्टेंट माइनस, अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू, अब यहाँ पे देखिए अगेन एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स आएगा माइनस फाइव है कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू ये क्या आएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू यहाँ पे भी टू एक्स आ रहा है होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे दोनों में टू एक्स कॉमन है, ठीक है, ये टू एक्स कॉमन है तो हम इसे कॉमन लिखते हैं, तो ये आएगा टू एक्स इंटू फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, सो टू एक्स इंटू अब ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो ये क्या आ रहा है ब्रैकेट में माइनस थ्री माइनस सॉरी माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, तो माइनस एट इंटू टू कितना आ रहा है माइनस सिक्सटीन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, ठीक है, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स फॉर द गिवन फंक्शन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये कैसे अप्लाई किया है रूल ये आपको समझ में आ गया है, तो अब हम और सम सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं, तो सेकेंड सम इज सेकेंड y इज इक्वल टू
रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स माइनस 5। तो अगेन ये u अपॉन v मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम अगेन हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, एक रूट एक्स माइनस 5 है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज, रूट एक्स प्लस 5 इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, चलो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो बस हमें ये पार्ट और ये पार्ट इस स्टेप में लिखना है, सॉल्व करना है, सॉरी। तो दिस इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप स्किप करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते हैं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस, अगेन राइट डाउन दिस ब्रैकेट एज इट इज़। अब अगेन यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 अपॉन, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हमें क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में एज इट इज़ लिखना है। इन रेयरली हमें इसको एक्सपांड करना पड़ सकता है स्टूडेंट, लेकिन 90% सम में हमें इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सम। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स प्लस 0 है, और यहाँ पे रूट 1/2 रूट एक्स माइनस 0 है, मतलब ये दोनों भी ब्रैकेट क्या है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये 1/2 रूट एक्स कॉमन लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स माइनस 5 माइनस रूट एक्स प्लस 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा रूट एक्स माइनस 5 माइनस रूट एक्स, और ये माइनस 5 हो जाएगा अपॉन रूट एक्स माइनस 5 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस 5 माइनस 5 क्या आ रहा है, माइनस 10, तो ये 1/2 रूट एक्स इंटू माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 5 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस 5 अपॉन, अब ये रूट एक्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिनोमिनेटर पे, तो ये आएगा रूट एक्स माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज dy बाय dx। तो चलो स्टूडेंट, अब हम हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 3, y इज इक्वल टू x e रेस टू x अपॉन x प्लस e रेस टू x, ठीक है। तो चलो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर है हमारा x प्लस e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या है, x e रेस टू x है माइनस, नाउ राइट डाउन x e रेस टू x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस e रेस टू x होल डिवाइडेड बाय x प्लस e रेस टू x स्क्वायर, ओके। तो चलो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस e रेस टू x, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x e रेस टू x, स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने अगर इसका डेरिवेटिव 1 और इसका e रेस टू x लिखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग होगा, बिकॉज दिस इज u इंटू v, तो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हमें यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम u इंटू v अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या है,
एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ द डेरिवेटिव है, ठीक है, सम ऑफ द फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 और e रेस टू x का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू x अपॉन x प्लस e रेस टू x होल स्क्वायर। तो चलो अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो x प्लस e रेस टू x इंटू, अब यहाँ पे क्या आता है देखो, x इंटू, अब e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू x का डेरिवेटिव क्या है 1, ठीक है, माइनस अब ये क्या आएगा एक्स ई रेस टू एक्स इंटू वन प्लस ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, राइट, ओके। तो चलो अब सी स्टूडेंट, यहाँ इस ब्रैकेट में ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, तो चलो हम कॉमन लेते हैं e रेस टू x, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस e रेस टू x इंटू e रेस टू x इंटू x प्लस 1, ठीक है, माइनस ये x e रेस टू x इंटू 1 प्लस e रेस टू x, तो अब यहाँ पे ठीक है अपॉन डिनोमिनेटर x प्लस e रेस टू x स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यस ई रेस टू एक्स इज कॉमन, ठीक है, तो हम ई रेस टू एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आएगा एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, ई रेस टू एक्स कॉमन लेते हैं इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो चलो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है अब हमें यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू, तो चलो अब हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये क्या आएगा एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, तो ये माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स ई रेस टू एक्स आ रहा है होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो कौन से टर्म कैंसिल होते हैं देखो, एक्स कैंसिल हो गया और एक्स ई रेस टू एक्स भी कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई e रेस टू x अपॉन x प्लस e रेस टू x होल स्क्वायर। तो सी स्टूडेंट इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, राइट, सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया है कि ये u अपॉन v वाला रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 4, तो फोर्थ सम इज y इज इक्वल टू x इंटू log x अपॉन x प्लस log x। नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो, ये सम आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको मेरे साथ चेक करना है इसे, आई नो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो चलो हम चेक करते हैं ये सम, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज दिस माइनस, नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज
इंटू डिनोमिनेट सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है सी स्टूडेंट, अगेन यू इंटू वी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रूल अप्लाई कर रही हूँ, तो राइट डाउन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आ रहा है वन अपॉन एक्स प्लस होता है, नाउ राइट डाउन लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है वन माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए एडिशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ रूल है, आपको बस रूल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है डिफरेंस दिया है या एडिशन दिया है ये सब थोड़ा केयरफुली देखना है और जस्ट रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट, तो आपका सम रॉन्ग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन दिया था तो इसलिए हमने ये यू इंटू वी रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ द फंक्शन इज गिवन टू यू, तो हम सम ऑफ द डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आ रहा है वन आ रहा है प्लस लॉग एक्स माइनस, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स लॉग एक्स से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स लॉग एक्स इंटू वन पहले क्या आ रहा है एक्स लॉग एक्स प्लस सॉरी माइनस आएगा, अब यहाँ पे एक्स लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आएगा लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा x प्लस x log x प्लस, अब log x से मल्टीप्लाई करते हैं से इस ब्रैकेट को तो ये आएगा log x प्लस log x स्क्वायर, ठीक है, अब log x स्क्वायर, अब सी स्टूडेंट वाइल राइटिंग log x स्क्वायर डोंट राइट लाइक दिस, लॉग एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग एक्स होल स्क्वायर है और यहाँ पे लॉग एक्स एक्स का स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको इसको लिखते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, ब्रैकेट कंपलसरी लिखना है, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। तो चलो देखते हैं एक्स लॉग एक्स कैंसिल हो रहा है लॉग एक्स भी कैंसिल हो रहा है तो रिमेनिंग टर्म में क्या आ रहा है एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। सो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं राइट तो डी वाई बाय डी एस। आई होप स्टूडेंट्स ये सम आपने करेक्ट सॉल्व किया है ओके। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम करते हैं दैट इज सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 इज फिफ्थ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो चलो पॉज करो वीडियो और आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। ओके नाउ आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया है ये सम, तो लेट्स चेक। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज
इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। सो चलो अब हमें ये डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू नाउ सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो कौन सा रूल अप्लाई करना है हमें? करेक्ट, यू वी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखते हैं और साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो बस यही मिस्टेक हो सकता है, तो बी केयरफुल। यहाँ पे सम दिया है या मल्टीप्लिकेशन दिया है ये आपको देखना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हमें यू वी टू वी रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो हम अप्लाई करते हैं यू वी रूल। तो राइट डाउन एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है कॉस एक्स प्लस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखती हूँ प्लस नाउ राइट डाउन साइन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स। तो फर्स्ट हो गया, अब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए, अब एडिशन ऑफ फंक्शन है तो हमें एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इस सब में स्टूडेंट्स और एक मिस्टेक हो सकता है, न्यूमरेटर इतना बड़ा आता है ना, उसको सिंप्लीफाई करते वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ न्यूमरेटर पे होता है और हम डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एवरी स्टेप में आपको एज इट इज़ लिखना है, तो इसे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, अब ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, सो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये आएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स देन प्लस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, नाउ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट हमने स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट से, तो अब कुछ टर्म कैंसिल होते हैं क्या, हम पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं ये एक्स क्यूब कॉस एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है और ये माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, सॉरी हाँ, तो ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब और कौन से टर्म है क्या देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये दो टर्म्स से, ओके, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बस ये टर्म रिमेनिंग है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं प्लस एक्स इंटू, अब मैं ये ब्रैकेट में ऐसे लिखती हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि हमें टू एक्स
टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्या होता है, करेक्ट, साइन टू थीटा होता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे, तो कॉस एक्स स्क्वायर तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सी स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, करेक्ट, वन होता है, ठीक है। तो ये आ गया वन प्लस ये एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में जो लिखा है हमने, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये होता है साइन टू थीटा, राइट। तो इसलिए ये क्या आएगा, साइन ऑफ टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो और सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस, फर्स्ट थ्री टर्म से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन प्लस एक्स साइन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो सी स्टूडेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर, सो देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स इज दिस टर्म, ओके। सो ये सम बहुत लेंदी था लेकिन इजी था स्टूडेंट्स, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा, और आई नो आप लोगों को अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी आते हैं। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट सम करते हैं, सम नंबर सिक्स इज, सम नंबर सिक्स y इज इक्वल टू फाइव ई रेस टू एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू। तो स्टूडेंट अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। तो चलो अब हम चेक करते हैं, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, राइट टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाइव ई रेस टू एक्स माइनस फोर, अब यहाँ पे आएगा माइनस, नाउ राइट टर्म न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाय थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू। तो ये फॉर्मूला हम फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ईजी होता है, डोंट स्किप दिस स्टेप, ठीक है। तो चलो अब हमें सिर्फ ये डेरिवेटिव पार्ट सॉल्व करना है, सो दिस इज इक्वल टू थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू इंटू, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फंक्शन दिया है, तो ये सम और भी इजी हो गया। तो चलो हम डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड करते हैं, तो ये 5 इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, माइनस ये 0 आएगा 4 का डेरिवेटिव, माइनस 5 ई रेस टू एक्स माइनस 4 इंटू, अगेन 3 इज कांस्टेंट, अब हम इसे आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे और इंटू डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स कर रहेंगे, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस 2, 2 का डेरिवेटिव 0, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, होल डिवाइडेड बाय थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू स्क्वायर। तो चलो अब हमें क्या करना है, फाइव ई रेस टू एक्स आ रहा है ये, ठीक है, थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू इंटू फाइव ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ई रेस टू एक्स माइनस फोर इंटू थ्री ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 e raise to x minus 2 square। तो चलो अब हम 5 e raise to x से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, और सेकेंड ब्रैकेट को 3 e raise to x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 15 आएगा, और ये e raise to x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ, ओके, माइनस 10 e raise to x माइनस, तो अब हमें यहाँ पे 3 ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है 15 ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 ई रेस टू एक्स आएगा होल डिवाइडेड बाय 3
ई रेस टू एक्स माइनस टू स्क्वायर। तो चलो हम सेम टर्म्स यहाँ पे अब ऐड करते हैं। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे 15 ई रेस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये कह रहा है 10 ई रेस टू एक्स प्लस 12 ई रेस टू एक्स 2 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। सो दिस इज़ योर डीवाई बाय डीएक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर में जो हमने फोर्थ रूल कैसे अप्लाई करना है ये देखा है, तो ये आपको अब समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ट्वेल्थ में भी अप्लाई करना है, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।